गुड मॉर्निंग। आज पार्लियामेंट में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, चार पॉइंट पिछले क्लास में हुआ था, तो उसी का नेक्स्ट फोर पॉइंट्स और है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। फाइव नंबर में है हमारा जीरो आवर। जीरो आवर के को देखने से पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर जो होता है उसका समय था 11 से 12 के बजे का समय। तो जीरो आवर होता है क्वेश्चन आवर के बाद वाला एक घंटा, मतलब 12 बजे से 1 बजे का जो समय होगा वह होगा जीरो आवर का समय। और इसमें जो सदस्य हैं वह प्रश्न पूछेंगे, अविलंब प्रश्न। अविलंब प्रश्न करने का मतलब है कि उनका आंसर उसी समय देना होता है, मतलब जिस समय सदस्य पूछेंगे वहीं पे उनका आंसर प्रश्न का उत्तर दे देना होता है मंत्री को। यही है जीरो आवर। और इसको प्रश्न को उठाने से पहले क्या है, एमपी जो है वह नोटिस देंगे अध्यक्ष को या स्पीकर को 10 बजे से पहले इसके लिए, जीरो आवर के लिए। और उसके बाद उसी दिन जिस दिन क्वेश्चन पूछना है उसी दिन, और जीरो आवर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा और पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होगा, मतलब जनता से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वे। यही है जीरो आवर। नेक्स्ट है सिक्स नंबर में कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। तो इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का जरूरत होता है, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या है जिस भी पार्टी के पास होगी वो सरकार बनाती है, इसलिए राज्यसभा का इसमें जरूरत नहीं है सदस्यों की संख्या, लोकसभा में हमारे पास बहुमत होना चाहिए। तो उसी से जुड़ा हुआ है कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो सरकार के द्वारा लाया जाता है यह दिखाने के लिए कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्याप्त है, और सरकार बनाने के लिए जो है सीट चाहिए 50% + 1, मतलब जितने लोकसभा में सीट है उसका 50% और एक ज्यादा या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिस भी पार्टी के पास होगी वो सरकार बना देगी। तो सरकार यह कॉन्फिडेंस मोशन संसद में लाती है कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, और यह सरकार के तरफ से मंत्रिपरिषद लाएगी। आर्टिकल 75 में है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद लाती है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और सरकार मजबूत है। और सेवन नंबर है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसी का उल्टा है, कॉन्फिडेंस मोशन का उल्टा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें सरकार लाती थी प्रस्ताव विश्वास, लेकिन इसमें विपक्ष लाएगा प्रस्ताव। अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो वह अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दे सकती है, कम से कम 50 सदस्यों का सहमति होना चाहिए। अध्यक्ष को नोटिस देंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और अगर विपक्ष यह साबित कर देगा कि उसके पास 50% + 1 सदस्य हैं, तो वह सरकार उसी समय गिर जाएगी और फिर विपक्ष वहां पे पावर में आ जाएगा। यह सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए लोकसभा में। तो ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन, विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। एक नंबर है हमारा एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो है, जैसे अगर दोनों सदन में लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में भी आएगा और राज्यसभा में भी। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई विषय पे चर्चा चल रहा है, अगर उस समय ऐसा महसूस होता है कि कोई महत्वपूर्ण विषय है बहुत ज्यादा, तो उस समय नोटिस देकर जो चर्चा चलते रहती है उसको उसी समय रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराया जाता है, जो पब्लिक रिलेटेड होगा विषय, या जो विषय महत्वपूर्ण होगा ये लोक संवाद से, मतलब पब्लिक से रिलेटेड मैटर होगा, और जो चर्चा चलते रहती है उसको रोककर इस पे बहस कराई जाती है। तो यही था हमारा एडजर्नमेंट मोशन।
ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था।